आज है 26 दिसंबर। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालाइज एक्सपायरी है। अभी टाइम है 3:07। एक्चुअली क्या हुआ कि आज मेरे बेटे का स्कूल का एनुअल डे फंक्शन था एंड उसका स्पेशल डिमांड था कि पापा को आना ही है परफॉर्मेंस देखने के लिए। सो 9:30 से 1:15 तक मैं ऑडिटोरियम में ही था। एंड ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जस्ट आई वांट टू शो द मेरिट्स ऑफ द सिस्टम दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो मेरिट्स ऑफ द सिस्टम इज दैट यहाँ पे आपको एक रेंज पकड़ना है। उस रेंज के हिसाब से जाएगा तो बल्ले बल्ले आपका जो भी टारगेट है 1% ऑफ योर कैपिटल एम्प्लॉयड नॉट इन्वेस्टेड कैपिटल फ्रॉम योर अकाउंट वो इजीली मिल सकता है। तो आज मैं वही प्रयास किया। ऑडिटोरियम से ही मैं मार्केट को मॉनिटर कर रहा था। मार्केट ओपन हुआ आपका 18,291 पे, गैप अप फ्रॉम प्रीवियस क्लोजिंग ऑफ 18,207। सो इट्स ए 82 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग। उसके बाद ये सस्टेन कर नहीं पाया एंड कंटिन्यूअसली सेल ऑफ होता गया। जैसे ही नीचे का मोमेंटम पकड़ने का प्रयास किया तो मैं कॉल को शॉर्ट करना चालू किया। अच्छा, कल एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग मैंने क्या किया था, 18,500 कॉल को शॉर्ट किया था, ज्यादा नहीं, ओनली 4 लॉट्स। तो आज मैं उसमें मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट को मॉनिटर कर रहा था एंड ग्रेजुअली मैं मार्केट को शॉर्ट कर रहा था। उससे पहले मेरा ट्रेडिंग वाला दिखाने से पहले मैं आज ओपन इंटरेस्ट अभी जो है अभी का जो ओपन इंटरेस्ट है ये है 150 में, यानी क्लोजिंग ये 150 के आसपास ही देना चाहिए। और ये 100 में अच्छा खासा पुट का बिल्डअप है एंड 200 में भी कॉल का बिल्डअप है। ऑलरेडी टाइम चला गया है नाउ और 136 दैट बीइंग द केस ये 150 के नियर बाई 150 और 100 के बीच में ही क्लोजिंग देगा। ये कोई एज ऑफ नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इट्स नॉट ए बिग डील। तो मैंने मॉर्निंग में जब ये 280 के आसपास था, 280 के आसपास था, तो मैंने स्टार्टिंग में 500 को, आप अगर मेरा ट्रेड्स देखोगे 9:25 पे मैं क्या किया, 400 के कॉल को शॉर्ट किया, फिर मैंने 300 कॉल को शॉर्ट किया। सब देन मेरा जो ओवरनाइट का 500 का कॉल था उसको स्क्वायर अप करके मैं फिर 300 को ऐड किया था। 300 को ऐड करने के बाद मैं फिर पोजीशन बिल्डअप चेक कर रहा था, देन सबको 300 में लेके आया, फिर लास्ट में मैं 200 को 300 को स्क्वायर करके 200 कॉल को शॉर्ट किया था बहुत ही छोटे प्रीमियम पे 8.70। एंड फाइनली कितने बजे किया था, 2:28 में किया था एंड 3 बजे मैं क्या किया, ये 2 रुपये में मैं स्क्वायर कर दिया, यानी करीबन 6 रुपया 75 पैसा मेरे को 700 क्वांटिटीज में 18,200 में मिला। तो नेट टू नेट यहाँ पे मेरा 19,000 पीएनएल है। और आपका दूसरा जो अकाउंट है फायर्स, वहां पे मेरा 7,350 का है। सो 26,350 का एक प्रॉफिट है विच इज अमाउंटिंग टू 1.75% ऑफ माई कैपिटल अवेलेबल इन माई ट्रेडिंग अकाउंट। मंगलवार को मेरा एक 2% लॉस हुआ था विच वॉज इक्वेलेंट टू 32,000। उसके अगेंस्ट में मेरा और कुछ एक ट्रेडिंग था जहां पे मैंने 10,000 प्लस प्रॉफिट था। सो नेट टू नेट मेरा उस दिन करीबन 21,000 ऑड अमाउंट से लेट से 22,000 मेरा लॉस था। आज ये 26,350 का प्रॉफिट है। दैट मीन द केस इस 2 दिन में मेरा नेट टू नेट प्रॉफिट जो हो गया 4,000 टाइप प्रॉफिट आया है। सो ये
जो प्राइस सेक्शन था, मैं इसको 5 मिनट में ले लेता हूँ। अब 5 मिनट के ओपनिंग यहाँ पे था 9:15, उसके बाद आप देखो कंटिन्यूअसली लोअर लो बना रहा था। ये जगह पे आने के ये कौन सा है, 15 मिनट, ये 9:15, हाँ ये 9:15 यहाँ पे था। कंटिन्यूअसली आप देखो लोअर लो बनाने के बाद यहाँ पे बॉटमिंग किया। यहाँ पे बॉटमिंग करने के बाद ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे 200 के आसपास जाने का प्रयास किया था। हाई कितना मारा? हाई मारा था आपका 18,182। उस टाइम पे मेरा जो यहाँ पे पुट था, कॉल था 18,200। ये टाइम आप देख लीजिए कौन सा टाइमिंग था। ये था आपका 2:15 पे। उस टाइम पे अगर हम पुट का चार्ट देखेंगे 200 का, 18,200 के पुट को अगर चेक करेंगे 2:15, तो 2:15 बोले तो आपका समवेयर 2:15 यहाँ पे जो प्रीमियम, ये हाई मारा वन, कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या हो गया? पंद्रह मिनट, इसको 5 मिनट कर देते हैं। अभी इसका एग्जिट पिक्चर आएगा 2:15 ये वाला। तो देखिए ये हाई मारा था 26, नीचे 2485। मैंने शॉर्ट मारा था कितने में? मैंने शॉर्ट जो मारा था ट्रेड, आप अगर देखोगे मेरा स्टार्ट पहला वाला ट्रेड 12:70 पे, कितने बजे किया था? 11:53 पे मैंने 18,200 कॉल को शॉर्ट किया था 12:70 पे। 12:70 पे सेल किया, उसके बाद ये 25 तक आ चुका था। मींस उस टाइम पे मेरा अच्छा खासा लॉसेस, 8,000-9,000 लॉसेस दिख रहा था, 8,000-9,000 का लॉसेस दिख रहा था। तो प्राइस सेक्शन को मैं इस पॉइंट पे मैं प्राइस सेक्शन को देखने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पे आप अगर ड्यूअल पीरियड टाइम फ्रेम का आरएसआई चेक करोगे, मैं यहाँ पे तीन ले लेता हूँ, एक में ले लेता हूँ 1 घंटे का, उसके बाद ये दूसरा वाला मैं 15 मिनट का ले लेता हूँ, और तीसरा वाला मेरा ये 5 मिनट का ले लेता हूँ। सो 2:15 में मैंने पोजीशन को क्यों नहीं काटा? क्योंकि उस टाइम पे हाई जो मारा था 18,182 का कुछ हाई मारा था, यस 183 का हाई मारा था 18,183। उस टाइम पे जो प्रीमियम था आपका, प्रीमियम 25 रुपए के आसपास चला गया था। नाउ द क्वेश्चन इज दैट 12:70 में शॉर्ट किया, मेरे को मिलना है तो 12 रुपया ही मिलेगा, 12:70 ही मिलेगा मैक्स। तो हाउ कैन आई अफोर्ड टू लूज दैट मच, मीन्स एन अदर मोर देन 30-40 रुपीज? तो वही मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ये जो आवरली प्राइस सेक्शन है, आप आवरली इंडिकेटर आरएसआई देखोगे, ये 28.80 लेवल से ये 40 में जाके रुका हुआ था उस समय, एंड 15 मिनट में ये अराउंड 50 के आसपास, 50-55 पे ओवरिंग अराउंड कर रहा था, एंड देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन आप अगर 5 मिनट में देखोगे, ये 60 के ऊपर थोड़ा सा होवर अराउंड कर रहा था कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे आऊं। सो इस 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से आप अगर देखोगे, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये आवरली टेकिंग रेजिस्टेंस एट 40 एंड 15 मिनट्स अराउंड 55-57, और 5 मिनट का यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, ये 60 के आसपास घूम रहा है, 55
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये नीचे आएगा, चांसेस। और आपका यहाँ पे एक सीआईपी जोन आ चुका था, मेरा शॉर्ट कहाँ पे था, 18,200, तो मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया। प्राइस इसके ऊपर भागेगा तो भयंकर भागेगा। तो पहला है आरएसआई इज सपोर्टिंग मी कि इसके ऊपर भागना नहीं चाहिए। प्राइस एक्शन बोल रहा है कि यहाँ पे एक सीआईपी चेंज इन पोलारिटी या रोल रिवर्सल वाला रेजिस्टेंस जोन है। कहाँ पे है जोन? ये करीबन 180 से 200 के बीच में। तो उसके बाद मैंने 5 मिनट में प्राइस एक्शन देखना चालू किया। अब प्राइस एक्शन में ऐसा सर्टेन कुछ प्राइस एक्शंस मेरे को मिला जहां पे मेरे को ये लेवल आपका मीन्स 160 के नीचे आई वाज श्योर कि ये और ऊपर जाएगा नहीं। तो मैं उसके बाद क्या क्या बैठ गया, टाटा न्यू पोजीशंस, एंड अल्टीमेटली आई बुक दे प्रॉफिट ऑफ 19,040 यहाँ पे एंड 7,350 यहाँ पे। सो ये दोनों मिला के मेरे को 26,350 का एक प्रॉफिट मिला, विच इज इक्वल टू आपका 1.75% ऑफ माई 15 लाख कैपिटल। सो जस्ट आज मैं लाइव रिकॉर्ड कर नहीं पाया टाइम टू टाइम, जस्ट अभी क्लोजिंग में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एटलीस्ट सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि मैं ये सिस्टम पे आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहने का जरूरत नहीं है। पहला वाला आप रेगुलर बेसिस में एवरी 15 मिनट या 30 मिनट्स में आप आपका रेंज चेक कर सकते हो। इफ योर रेंजेस आर करेक्ट देन आप आराम से पोजीशन को रन कर सकते हो। और एज आप अगर मीन्स ऑप्शन बाइंग में जाते हो, एवरी 5 मिनट का जो कैंडल है इज इम्पोर्टेंट टू यू। मोमेंटम देगा या साइडवाइज मारेगा या रिवर्स मारेगा, तो वहां पे आपको ये लिबर्टी नहीं है कि आप ऑडिटोरियम में बैठ के बेटे का या बच्चे का एनुअल डे फंक्शन 9:30 से 1:15 तक आप एंजॉय भी करो प्लस अपना पोजीशन भी मेंटेन करो, या ये पॉसिबल है ये पार्टिकुलर सिस्टम पे जहाँ पे आपको एक रेंज डिसाइड करना है कि शायद प्राइस इस रेंज के ऊपर जाएगा नहीं। आज का जो प्राइस एक्शन है अच्छा खासा सेल ऑफ है, आपका हाई है वह 318 का, यानी 300 से नीचे आपका मारा कितना, आपका नीचे मारा 18,080, सो करीबन 220 पॉइंट का एक डाउनवर्ड मूव था। उसमें आप पोजिशनल अगर करते तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलता, लेकिन ये जो मेंटल पीस है, मेंटल पीस के साथ जो एक ईज के साथ आप ट्रेडिंग करते हो, वो आप ऑप्शन बाइंग में मिलेगा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज द ओनली स्ट्रेटेजी और द बेस्ट स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज आर स्ट्रेटेजीज। आपके माइंडसेट में क्या मैच होता है, क्या बेस्ट फिट होता है, क्या आपको अच्छा लगता है, दैट इज द मेन कॉन्सर्न। मेन कॉन्सर्न बोले तो आपका वही आपको डिसाइड करेगा कि आप कैसे कर सकते हो। तो अभी मार्केट 3:23 है, मार्केट क्लोज होने वाला है। सो अभी क्लोजिंग करीबन 18,120 के आसपास ही है। सो मेरा ये जो व्यू था, पहले 500 का शॉर्ट करना, 18,500 कॉल को शॉर्ट करना, देन 18,400 कॉल को शॉर्ट करना, देन 18,300 कॉल को शॉर्ट करना, देन 18,200 के कॉल को शॉर्ट करना, वो मार्केट के हिसाब से बराबर गया। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मार्केट मेरे हिसाब से चला, मेरा जो एक्सपेक्टेशंस था वो मार्केट के परसेप्शन के साथ चला। आप यहाँ पे देखोगे मैंने आज पुट साइड में राइट नहीं किया, उसका मेन कारण क्या है, 2 दिन से इतना सेल ऑफ हो रहा है, आई वाज नॉट कंफर्टेबल विथ राइटिंग द पुट। मान लो मैं 18,100 को पुट को शॉर्ट करता हूँ, तो आपका जैसे ही प्राइस आपका ये लेवल पे आता है, दो दो बार आपको चैलेंज किया होगा, एक बार तो यहाँ पे चैलेंज किया होगा, दूसरा बार यहाँ पे आपको चैलेंज किया होगा, तीसरे बार आपको यहाँ पे चैलेंज किया होगा। फॉर्चुनेट कि ये नीचे गया नहीं है, वो अलग बात है, यहाँ से बॉटम आउट होके प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है,
तीन तीन बार 18,100 आपको चैलेंज किया होगा, 18,100 पुट आपको चैलेंज किया होगा। चैलेंज का मतलब आपको लग रहा होगा कि मैं काट के निकल जाऊं या नहीं। आपने जिस लेवल पे शॉर्ट किया वो आपको आपके अगेंस्ट में जाने का कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आपका 18,200 मेरे को एक बार चैलेंज किया था कि जो 12 रुपये 70 पैसे का जो आपका मैंने कॉल शॉर्ट किया था वो करीबन 25 रुपया हो गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि क्या रीजन है मैंने यहाँ पे काटा नहीं, थोड़ा सा होल्ड करने का डिसाइड किया। एंड आई वाज मीन्स राइट इन माय एनालिसिस। तो आज के दिन में एक अच्छा, मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक अच्छा प्रॉफिट आया है, टोटल 26,350 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू आपका 1.75%। सो यही एनालिसिस आपके साथ पेश करने के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशंस, ये एनालिसिस, यहाँ पे प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट मैं जो आपको शोकेस कर रहा हूँ ये कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। बाजार में घनश्याम सर करोड़ों में प्रॉफिट बनाता है, इंट्राडे में शुभाशीष सर लाखों करोड़ों में प्रॉफिट बनाते हैं, बोथ इन इंट्राडे एज वेल एज स्विंग। तो मेरा ये जो 15,000 20,000 25,000 या 26,000 का जो प्रॉफिट है ये कोई बड़ी प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि एक पार्टिकुलर सिस्टम डेवलप करने के बाद उसके साथ कैसे आपको टाइम बिताना चाहिए, उसके मीन्स उसको टाइम दे के देखना चाहिए कि क्या मैं करेक्ट हूँ या नहीं, और कितना इजीली यहाँ पे आप एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हो। इवन इस सिस्टम पे अगर 6% भी आप पर मंथ करते हो तो 72% पर एनम बहुत बड़ा है। वही 72% ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस बोले तो आप अगर 10 साल 20 साल के लिए आप इस टाइप का ट्रेड करते हो तो यू कैंट इमेजिन हाउ मच मनी वी कैन मेक। तो अमाउंट वाइज 26,000 इज ए वेरी स्मॉल अमाउंट, बट मैं यहाँ पे प्रयास कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वही मैं आपके पास आपके सामने पेश करने का प्रयास किया। सो आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर कीजिए।